वैसे रिटेल और होलसेल बिजनेस की ये दो बेसिक मॉडल सबसे ज्यादा फेमस है। ज्यादातर बिजनेस इन्हीं दो तरीकों से होते हैं, तो अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मार्केट में रिटेलर्स और होलसेल की वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन होलसेल का जो बिजनेस है वो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर आप भी एक होलसेल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आज क्विक सपोर्ट आपको पूरी केस स्टडी के साथ ये बताएगा कि होलसेल बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है। तो चलिए जानते हैं इसके जरूरी फंडे। होलसेल को थोक व्यापार कहते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद का बिजनेस है जिसमें आप अपनी मर्जी से चुने हुए किसी भी प्रोडक्ट को सीधे कंपनी या उसके किसी डीलर से खरीदते हैं और फिर छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, और वो सामान कम रेट पर आप देते हैं जिसमें आपको अपना मुनाफा निकालना होता है। तो मार्केट में लगभग सभी प्रोडक्ट्स का होलसेल बिजनेस होता है। जरूरत के हर सामान का डिस्ट्रीब्यूशन इस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल बनाता है। बस आपको ना सही प्रोडक्ट को चुनने की जरूरत है और उसके सही मार्केट तक अपनी पहुंच बनानी होती है। मार्केट की डिमांड को देखते हुए आप अपना कस्टमर बेस जितना बढ़ा पाएंगे उतना ही आपका बिजनेस आपको मुनाफा देगा। तो अब उन बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं जो होलसेल बिजनेस करने के लिए जरूरी है। मार्केट रिसर्च करना हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि चप्पल, जूते, दाल, चावल, खिलौने, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और लगभग जरूरत की हर चीज में होलसेल बिजनेस का स्कोप है। इसीलिए सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन आपको बिजनेस में लीड देगा। अब जिस भी जगह अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो शहर हो या गांव, वहां पर पहले देखना होगा कि मार्केट में कौन सी चीज की डिमांड है, या फिर वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में लोग यूज तो कर रहे हैं पर उसका कोई होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में नहीं है। ये जानकारी आपको काफी हेल्प करेगी और आपको कौन सा प्रोडक्ट या कैटेगरी में बिजनेस करना है ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। वैसे होलसेल बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। ये आपके बिजनेस को सुरक्षित भी रखेगा और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने से आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे, ताकि अनफॉर्चुनेटली कभी भी अगर आपके स्टॉक पर रेट पड़ी तो आप ये साबित कर पाएंगे कि आप एक लीगल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि पैसों के लेन देन के मामले में लीगल डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत जरूरी होता है। वैसे होलसेल का बिजनेस आप ट्रेड लाइसेंस लेकर के कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप प्रोप्राइटरशिप मॉडल पर भी अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिजनेस कोई भी हो और कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, एक बार किसी लॉयर से डिस्कस कर लेना अच्छा होता है। इससे आपको जरूरी पेपर्स बनवाने की जानकारी हो जाती है। बिजनेस में लेन देन करने के लिए करंट अकाउंट या चालू खाता खुलवाना पड़ता है। इसके अलावा भी आप GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख तक पहुंचेगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस आपको अपने नगर निगम, नगर पंचायत या लोकल गवर्नमेंट बॉडी से मिल जाएगी। तो इतना कर लेने के बाद अब अगला काम आता है डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना, क्योंकि बिना सप्लायर के आप होलसेल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा और एक ऐसा सप्लायर ढूंढिए जो आपको काफी कम रेट पर सीधे कंपनी से माल सप्लाई करे। कई बार एक ही मार्केट में कई ऐसे एजेंट्स मिल जाएंगे जो एक ही कंपनी के होते हैं, उनके बीच आपको नेगोशिएट करना होगा ताकि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सके। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी का आदमी नहीं मिल रहा है तो आप किसी दुकानदार से बात कर सकते हैं जो उस प्रोडक्ट में डील करता है, उससे आपको कंपनी का कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। सबसे आखिरी स्टेप आता है कंपनी की वेबसाइट पर जाना, जहां से आपको कंपनी की सही जानकारी मिलेगी। और कई बार कंपनी की वेबसाइट पर सीधा लिखा रहता है कि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और उसे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश भी है। अगर ये वाला ऑप्शन आपको मिल गया है तो आपका आधा काम तो यूं ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कई कंपनीज होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस खोलने वाले व्यक्ति को खुद ही गाइड करती है, क्योंकि आपका ग्रो करता बिजनेस सीधे कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। कंपनी सिलेक्ट करते हुए एक बार उसका बैकग्राउंड आपको जरूर से चेक करना होगा, क्योंकि कई बार नई कंपनीज शुरू में तो मार्केट जमाने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करती है, लेकिन बाद में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने लगती है। तो कंपनी से माल की सप्लाई के टाइम कई बार उसके एजेंट्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखने की सलाह देते हैं, या जबरदस्ती भी ज्यादा क्वांटिटी में माल सप्लाई करने पर जोर देते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी प्रेशर में ना आए और अपना बिजनेस कैपिटल और मार्केट रिस्पॉन्स को देखते ही माल का ऑर्डर दे। अब बात करते हैं होलसेल बिजनेस में सामान स्टॉक करने के लिए भी एक बड़ी सी जगह या स्टोर या गोदाम की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए पहले आपको जगह देख लेनी पड़ेगी। आप किस तरह का होलसेल बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट का साइज कितना बड़ा या कितना छोटा है, इस पे आपके गोदाम या स्टोर का जो स्पेस है वो डिपेंड करेगा।
तो अपना ये स्टोर या गोदाम एक ऐसी जगह पर आप बनवाइए जहाँ पर ट्रक या दूसरी डिलीवरी वाली गाड़ियों के आने जाने का स्पेस हो और वो मार्केट के आसपास ही हो, जहाँ से चीजों को आसानी से डिलीवरी के लिए लाया जा सके। और इसी के साथ अब बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी खर्च आपको करना होगा। जी हाँ, क्योंकि पैसों की इन्वेस्टमेंट आपको अपनी चीजों को चोरी होने या दूसरे एक्सीडेंट से बचाने के लिए भी करनी होगी। अगर आपके गोदाम में लाखों का माल है तो आपको एक भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत होगी। इसके लिए आप किसी सिक्योरिटी सर्विस की भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही शॉर्ट सर्किट की वजह से अक्सर आग लगने की बातें सुनाई देती हैं, जिसके लिए भी आपको गोदाम बनवाते वक्त अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक वायरिंग करवानी होगी। आग बुझाने की चीजें भी रखना समझदारी होगी, क्योंकि कई बार फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है। अपने नजदीकी फायर डिपार्टमेंट से एक फायर सेफ्टी लाइसेंस भी आप ले लीजिएगा। इससे आपको क्लेम करने में आसानी होगी। और थोड़ी दूर की अगर हम सोचे तो इंश्योरेंस ले लेना भी बुद्धिमानी होगी। कोई नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में कोई भी अनहोनी हो जाए, पर इंश्योरेंस लेने पे आप बेफिक्र रहेंगे कि आपकी चीजें सुरक्षित हैं। अपने बिजनेस को सही ट्रैक पे रखने के लिए मॉनिटरिंग भी हमेशा अच्छी ही होती है। मतलब ये कि अपने बिजनेस में इस चीज का हिसाब रखना कि कितना माल आया, कितने की बिक्री हो रही है, मार्केट में उधार पर गई चीजों का पेमेंट आया या नहीं, आपका अपना कोई बकाया तो है या नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इन सभी पर नजर रखने से आप बिजनेस में घाटे से बचते रहेंगे। अगर इन चीजों का हिसाब आप नहीं रख पा रहे हैं तो इसके लिए किसी अकाउंटेंट को आप काम पर रख लीजिए, जो आपका बिजनेस संभालेगा और आप अपना फोकस अपने बिजनेस को बढ़ाने पर दे पाएंगे। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करता रहे और आगे चलकर ये आपका फैमिली बिजनेस बने, तो आपको अपनी फैमिली के साथ भी चीजें डिस्कस करनी होंगी। घर पे आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी वाइफ या बच्चे जो भी बिजनेस को बढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे आप बिजनेस की बातें कर सकते हैं। वैसे ये पूरी तरीके से आपका अपना खुद का फैसला होगा। अब बात आती है पैसों की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने बिजनेस कैपिटल को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी जानकार इंसान से सलाह लेना आपको फायदे में रखेगा। किसी की भी देखा देखी करके अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर ना लगाए जिसकी आपको जानकारी ना हो। आपका होलसेल बिजनेस 2 लाख से 2 करोड़ लगाकर भी शुरू हो सकता है, पर आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस फील्ड क्या होगा। कई दफे जिस भी कंपनी का होलसेल बिजनेस आप करने जा रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट करती है, इसका भी पता कर ले, इससे आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो होलसेल बिजनेस के तौर पर आपके लिए मुनाफे का सौदा बन सकते हैं। चिप्स और स्नैक्स का बिजनेस है एवरग्रीन। जी हाँ, किसी भी चाय की दुकान या स्टेशनरी शॉप पर चले जाइए, आपको इतने सारे चिप्स और स्नैक्स के आइटम्स मिल जाएंगे जिन्हें हर एज ग्रुप के लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। आपको इनमें से अपनी चॉइस का प्रोडक्ट चुनना है और होलसेल का कारोबार करना है। वैसे बच्चे सबसे ज्यादा चिप्स खाते हैं। अगर आप किसी शहरी इलाके में है तो वहाँ किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। छोटी जगहों पर लोकल प्रोडक्ट्स की भी अच्छी डिमांड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों के खिलौनों की बात करें तो खिलौनों से बच्चों का मन कभी नहीं भरता है। वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी पसंद भी बदलती जाती है। सस्ते खिलौनों से लेकर महंगे वीडियो गेम्स तक हर तरह के प्रोडक्ट्स की अपनी डिमांड है। इनमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ जब बात हो हेल्थ की, तो आयुर्वेद का है जमाना। जब से इंडिया में योग और आयुर्वेद का चलन दोबारा पॉपुलर हुआ है, बहुत से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और उनके ब्रांड्स मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में हेल्थ केयर से लेकर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आयुर्वेद की डिमांड 7वें आसमान पर है। आयुर्वेद को बिजनेस मॉडल बना करके भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अगले बिजनेस की बात करें तो वो हो सकता है किचन के बर्तन। ट्रेंडी किचन के बर्तन आजकल हर किचन का हिस्सा बन रहे हैं। मॉडर्न और मॉड्यूलर किचन का सामान आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि अपने किचन को भी लोग अपने बेडरूम जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही, और उन्हें सजाने से लेकर के यूज करने वाले बर्तनों में इन्वेस्ट हो रहा है। इसीलिए नो डाउट आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपके होलसेल बिजनेस को बूस्ट दे सकती है। बस सही प्रोडक्ट और मार्केट रिसर्च के साथ बिजनेस करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम आपको रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको है, इसीलिए आपकी मेहनत का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भी होलसेल बिजनेस में जाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्विक सपोर्ट आपके लिए ढेर सारे केस स्टडी वीडियोस लाता रहेगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी स्वागत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।